सारा सामान यहाँ पे लोड हो चुका है, ड्राइव करनी है 5-6 घंटे के आसपास। मैंने कहा भाई थोड़ा रेस्ट कर लो। एक तो ब्लैक कलर इतना जलता है ना भाई बाहर से, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब करता है एकदम। रिफ्यूल का यहाँ पर अलर्ट आ रहा है और आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। अब यूटर्न लेके यहाँ से फ्यूल अप करवाएंगे। थैंक्स यार, चल ठीक है, मैं आधा ही भरवाऊंगा पूरी नहीं। बस 50 लीटर का टैंक है भाई इसका और देख रहे हो 4000 में फ्यूल अप हो गई। फर्ट से अच्छी क्या कह रहे हो? अब काफी लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में बोलने। मैंने कहा अमित भाई अब दे दो, और भाई क्या ठंडा मौसम हो रखा है भाई साहब, गंदी बिजली कड़क रही है। फिलहाल आ रखे हैं भाई DIT यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, इसका आज का कोटा पूरा। अब हमारी बारी है सक्षम को करने। इतना जाम भाई, इतना जाम, मतलब इस जगह पे मैंने आज तक जाम नहीं देखा। इतने साल से मैं दिल्ली गुड़गांव गुड़गांव दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ, ये है आपका दिल्ली कैंट वाली एरिया में, कभी जाम नहीं लगता। पता नहीं किस बात का लग रखा है, और मुझे लग रहा है कि सामने ना फ्लाईओवर है, उस पर चढ़ने के लिए बस इधर उधर जाने के लिए लोगों ने लगा रखा है। पिछले लगभग 20 मिनट से इसी जाम में फंसा पड़ा हूँ मैं। 1 घंटा दिखा रहा था पहले गुड़गांव से दिल्ली, और अभी दिखा रहा है, मतलब जब से निकले हुए मेरे को ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, अभी 40 मिनट दिखा रहा है, हालत खराब हो गई भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपको स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। राइट नाउ आई एम इन बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली। लास्ट ब्लॉग मैंने भी थोड़ी देर पहले खत्म किया जब मैं गुड़गांव से निकला था। सामने लो टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम लोग निकल रहे हैं अपनी अगली ट्रिप पे। हैरियर की पहली ट्रिप होने वाली है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। बट उससे पहले मुझे ट्रैफिक झेलना है, घर पहुंचना है, पैकिंग करनी है, थोड़ा खाना पीना खा के रेस्ट करूंगा, उसके बाद निकलूंगा, क्योंकि वो भी 5-6 घंटे की ड्राइव होने वाली है रात को। वैसे हम लोगों का निकलने का प्लान कल का था, बट फिर मैंने इन लोगों को कन्विंस किया कि क्यों पूरा दिन ड्राइव करके खत्म करना है, आज जैसे तैसे पहुंच जाएंगे, सो दैट कल के दिन फ्रेश रहें और घूम पाए वहां जाके। चलो भाई, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ स्ट्रगल पहुंच गए हैं घर पे। गाड़ी पार्क करते हैं, लंच करते हैं, और अबे ये रिक्शा उठा रखा था क्या हुआ? मैं 4 दिन हो गए गाड़ी आए हुए, आगे वाले तो मैंने फीते उतार दिए थे, ये वाली नहीं उतारे थे, और अजय ने आते ही काम शुरू। सारा सामान यहाँ पे लोड हो चुका है लगभग सारी चीज़ें, और ये वाले हमारे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स, मतलब एक्टिव चारकोल फेस वॉश, ये वाला फोम फेस वॉश, ये हमारा अनियन शैम्पू, राइस वाटर शैम्पू, ये मतलब रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। वैसे हम लोग ज़्यादा जो डील करते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो सलून्स में यूज़ होते हैं वो वाले यूज़ करते हैं। तो होपफुली मैं इसका शूट करके ना लिंक डालना शुरू करूँगा। मैंने कहा चल जब अपना ही ब्रांड है तो क्यों ना प्रमोशन भी किया जाए, लगे हाथ हो गया ना। चले भाई, बहुत गर्मी है, 1/2 घंटे की नींद ली मैंने, क्योंकि ड्राइव करनी है 5-6 घंटे के आसपास। मैंने कहा भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, कहीं बैंड बज जाए रास्ते में। टाइम दे दिया था सबको 5 बजे का, 15-20 मिनट लेट होना था, बट इनको देख लो नज़र नहीं आ रहा, 3 बार फोन कर चुके हैं कहाँ है। सामने वहाँ सक्षम का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मिंकुश का, और हमारे प्रिय मित्र आ चुके हैं, ये कभी लेट नहीं करता, टाइम पर आ जाता है, बस BT बहुत देता है। BT बैड ट्रिप। चलो जी, निकल रहे हैं भाई ट्रिप पे, फाइनली जा कहाँ रहे हैं वो बता ही देता हूँ, देहरादून जा रहे हैं भाई। हुआ क्या था एक्चुअली, पिछले 1 साल से हम लोग सोचते थे कहीं घूमने जाना। एक्चुअल में क्या है ना, चारों स्कूल फ्रेंड्स हैं, आज तक कभी भी चारों एक साथ नहीं गए किसी ट्रिप पे। मिंकुश के साथ तो मेरे ख्याल में आज तक कहीं गए ही नहीं ना। मिंकुश गया ही कहाँ है? मिंकुश शादियों में नहीं आता भाई, तो शादियों में नहीं आता वो, बट आज मिंकुश भी पता नहीं कैसे रेडी हो गया। सक्षम और मैं यही बात कर रहे थे कि मिंकुश और अजय एक साथ रेडी हो कैसे गया, इनका टाइम से मैच कैसे खा गया। मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ, रहने दे, कोई भी सीरीज खोल के देखता हूँ। इन लोगों के साथ बाव तक गया हूँ, बताओ कहाँ तक गए? बाव, अच्छा वो वाटर पार्क, बट कोई नहीं, चलो आज निकल रहे हैं भाई फाइनली देहरादून। गाड़ी से मेरे को कहीं जाना था, मैंने कहा चल देहरादून ही चलते हैं, क्योंकि देहरादून ना लेके जाऊं भाई गाड़ी, ऐसा हो नहीं सकता, और इसके बाद सीधा मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे निकल जाऊंगा, आने के बाद तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन में, बट स्टिल मैंने कहा एक बार जाके होके आते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ पता भी है, तो अच्छे से वहाँ पे 3-4 दिन एक तरीके से घूम लेंगे। ये लो भाई देखना, सारे के सारे छोटे छोटे ट्रॉली को लेके आए हो तुम सारे, मैं तो अपना पूरा बड़ा हाथी लेके आया हूँ, ठीक, खोल ही नहीं पाएगा ये। हाँ जी सर, बढ़िया भाई बढ़िया, रखो चाबी बाहर ले आया क्या मैं? हाँ लग तो रहा है, सक्षम का फोन आ रहा है, वो आया है नहीं, रुक जा, लॉक कर रखी है ना, बैक टू बैक हो गया है तो। yes. सारे तुम छोटी छोटी ट्रॉली क्यों लेके आए हो? मैं पूरी हाथी ट्रॉली ले आया, देखियो देहरादून ना जा रहा हूँ, जैसे कहीं जा रहा हूँ, जस्ट सेट कर लेते पहले। एक तो ब्लैक कलर इतना जलता है ना भाई बाहर से, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब करता है एकदम ही, इसके एक बार वाइपर। अबे ठंडा पानी क्यों ले आया? पीने के लिए नहीं तो वाइपर में डालने के लिए। वाह भाई, देखना फ्रिज का पानी लाया वेपर में डालने के लिए, पाइप वहीं लगा देता, पाइप एकदम भर देते। पकड़ इसको, पकड़ मैं खोलूं। भाई सब इतना भारी बोनट है इसका।
चलो भाई निकला जाए यहाँ से। अब यहाँ से लगभग एक घंटे लगेगा मुझे अक्षरधाम। अक्षरधाम पे मैंने ऑलरेडी अमित को बुला लिया है। अमित पहले बोल रहा था मैं कैब से आऊंगा, उससे मेट्रो से आऊंगा, पता नहीं कैब से क्यों आ रहा है। डेढ़ घंटा लगेगा उसे जाने में। भाई यू टर्न लेना पड़ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रिफ्यूल का यहाँ पर अलर्ट आ रहा है और आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। अब यू टर्न लेके यहाँ से फ्यूल अप करवाएंगे फिर निकलेंगे। इतनी महंगी गाड़ी ले ली, तेल भरवाने के पैसे नहीं। आज तू बैठ मालिक बैठे हैं भाई आज तो। चल थैंक्स यार अजय, अच्छा तूने बता दिया। थैंक्स यार। चल ठीक है, मैं आधा ही भरवाऊंगा, पूरी नहीं। बस वैसे यार इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं है फ्यूल की, कहीं पे भी ले आके खड़ी कर दो गाड़ी। बट आज थोड़ा सा मेरे को फील हुआ कि डीजल गाड़ी अगर आपके पास है भाई, फुल कर दो, फुल डीजल डीजल। 50 लीटर का टैंक है भाई इसका और देख रहे हो 4000 रुपए में फ्यूल अप हो गई, फुल हो गया। मतलब की थोड़ा बहुत क्या चीज, 5 लीटर रिजर्व में पड़ा हुआ। हाँ मतलब 5 लीटर रिजर्व होगा, प्राइस देखो ना सर, 4000 में टंकी फुल हो गई। कहाँ पेट्रोल 97 है अभी, अगर 50 लीटर रेटिंग के हिसाब से आराम से 4800 के हिसाब से जाता फ्यूल का। मतलब मोदी के राज में क्या भाई, ये देखो ना फिर अब इसी, मतलब एक तो कम पैसे लगे, ऊपर से अब चलेगी भी ज्यादा, यही है फायदा ब्रो। पहुंच गया भाई अक्षरधाम सामने, बर्गर किंग है। अमित से बोला है कुछ पैक करा ले, क्योंकि इसके बाद सीधा जो मिलेगा ना खाने के लिए वो मिलेगा मेरठ बाईपास या फिर क्या कहते हैं आपका मुजफ्फरनगर बाईपास। तो मैंने कहा चल यहीं से कुछ ले लेते हैं, थोड़ा मंचीज थोड़ा यहाँ गाड़ी लगाऊं पहले। मुझे लगता नहीं यहाँ पे अलाउ करेंगे, यहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है 2 मिनट में, अंदर बैठे रहो ना तो ठीक रहता है। तो भाई आ गए अमित सर भी, आ नहीं गए, लेके आना पड़ा इनको वहाँ से। बैग दिखाऊंगा अभी आपको इसका, भाई साहब पसीने आ गए लेके आने में। और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक बोला था, कोल्ड ड्रिंक मत लियो, ले लेता हूँ यहाँ से, पूरे पैर का नाश पीट दे देख रहो। चलो कोई नहीं, बैठो फटाफट। चलो भाई हो गई है पेट पूजा, मैंने फटाफट खा लिया, अभी लोग आराम से खाते रहेंगे। मैं ड्राइव कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई भाई, जब घर से निकले थे ना 10:30 का दिखा रहा टाइम पहुँचने का, और अब ये धीरे धीरे टाइम हो चुका है 11:30, जो कि मुझे 11 करना है एटलीस्ट। सामने आ गया है भाई टोल मेरठ एक्सप्रेसवे का, यहीं से एग्जिट है लगभग 12-13 किलोमीटर आगे। बट अभी इसका मैंने फास्टैग चेक किया ना, मतलब रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि इसका फास्टैग जब हमारे पास आया था वो सीधा कंपनी से ही आया था, मतलब टाटा वालों ने दिया था। और स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि HDFC का, वही सोच के मैंने हाँ बोल दिया था और मैंने पे भी कर दिया था, ठीक है। बाद में उन्होंने लगा दिया ICICI का, और अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि अभी जब मैं रिचार्ज कर रहा हूँ ना पेटीएम से या फिर पार्क प्लस से, तो उस पर इनवैलिड फास्टैग बता रहा है। फिर उनको कॉल किया मैंने तो बोल रहे हैं कि ICICI टोल बाय ICICI करके कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू ही होगा। अब साइड में लगा के भाई पहले देखें क्या है, क्योंकि इसमें बैलेंस है नहीं, 12-13 रुपए पड़े हैं खाली। सामने हो रहा टोल, रिचार्ज करते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे। श्रेय को मिस करता है बहुत ज्यादा, श्रेय को मिस कर रहा हूं भाई। कोई दिक्कत नहीं, श्रेय ब्लॉग कहां, श्रेय ब्लॉग करता तो है, श्रेय ब्लॉग करता है भाई। लास्ट ब्लॉग देखे बड़ा मजा आया था, थोड़ा उसके बल्गर ब्लॉग देखे मजा आता है ना, मजा आता है थाईलैंड की। थाईलैंड में भी तो कर ही था वो ब्लॉग भाई। अभी मेरठ बाईपास कर रहे हैं तो फिर श्रेय की याद आ रही है, श्रेय का मैसेज आया भी अमित के पास, क्या कहते हैं बाईपास पे खड़ा हूँ, आ जाओ मेरे को उठा लो और यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद कह रहे घर आ जाओ। अब यहाँ से भाई लगभग 12 बजे दिखा रहा है पहुंचने का टाइम, और हम लोग पहले ना स्टे करने वाले थे नीचे सिटी में, बट एक दो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं रिजॉर्ट पे जहाँ पर हम लोग जाके रुकते हैं। तो कल परसों को सोचा था हमने वहाँ पे, बट आज ही उनको बोले कि हम भी वहीं आ रहे हैं, 12 ही बज जाएंगे, बट ठीक है चलो आज जाके रुक जाएंगे साथ में। चलो भाई ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं अमित सर, कैसी है सर ड्राइव फील? वर्टस से अच्छी है क्या कह रहे हो? अब काफी लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में बोलने क्या बोल दिया ये, वर्टस का कंपैरिजन नहीं है, इंडियन ब्रांड ब्रो, बहुत ज्यादा अच्छी है भाई साहब। गंदी बिजली कड़क रही है, साक्षात इंद्रदेव आ गए थे दिल्ली में, तो आज भाई साहब इतना, हे प्रभु हे हरिराम जगन्नाथ जगन्नाथ। अभी ये उसका ये खोल रखा हमने पर्दा भाई साहब, ऊपर बिजली कड़क रही है, ऊपर बहुत ज्यादा मौसम खराब, डर लग रहा है गाइस, डर का माहौल है, एक्टिवा उड़ चुकी है। बहुत दिन पहले जितने लोगों से बात हुई सब कह रहे हैं आज तक हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी इतनी तगड़ी आंधी। पहुंच ही गए भाई लगभग यहाँ से 10-15 मिनट लगेगा देहरादून, बट हम लोगों को ऊपर जाना है तो 1 घंटे का लगभग रास्ता है। मौसम देखो, औसम मौसम भाई, औसम मौसम, घड़ी गैंट वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ऊपर निकलना है, सिटी में जाके फंसने का कोई फायदा था नहीं। मालसी पहुंच चुके हैं भाई, मैंने कहा यहाँ से थोड़ी फील लेनी है मेरे को ड्राइव करने की, क्योंकि इस रास्ते पे गाड़ी चलाने में जो मजा है ना, मैंने कहा अमित भाई अब दे दो, और भाई क्या ठंडा मौसम हो रखा है, सीरियसली तो मजा ही आ गया, एकदम फील आ जाती है देहरादून आती जो बात है, और ऊपर से ऐसा स्वागत हो जाए इस मौसम के साथ तो अलग ही बात है। चलो पहुंच गए हैं भाई, लगभग 7 घंटे लग गए हम लोगों को यहाँ ऊपर आने, वैसे देहरादून से लगभग 1 घंटा ऊपर आए हैं, गाड़ी यहीं पर लगा दी है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्योंकि आगे पूरा का पूरा हाउसफुल है। पहले बता दिया था यहाँ के जो ओनर है महक, उन्होंने कि बहुत सारे लोग आ रखे हैं, आज रूम भी खाली नहीं है, हम लोगों का स्टे नीचे वाली जगह है और कल भी हमें वहीं रुकना पड़ेगा। बाकी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी ठंड होगी भाई साहब। अभी अमित से बैग खुलवाया उसका,
ये हुडी ली, मैं तो भूल ही गया लाना, एकदम इतनी गर्मी हो रही थी दिल्ली में, हमें थोड़ी पता था यहाँ एकदम ठिठोरने वाली ठंड होगी। बाकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको ये वाली, भाई बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे बट कभी शूट नहीं किया, बट इस बार थोड़ा बहुत शूट करके दिखाऊंगा आपको। हमने यहाँ पर नीचे लगा दी है गाड़ी साइड में दबा के, ये वाली प्रॉपर्टी है जो दूसरी प्रॉपर्टी अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, यहीं पर ही रूम ले रखा है, नीचे नीचे रूम है, ऊपर इन्होंने डाइनिंग एरिया बना रखा है। चलो भैया, हाँ सब यही कहते हैं, दुकानदार अपने सामान को खराब थोड़ी बोलता है। टुडे इज द नेक्स्ट मॉर्निंग भाई, हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी हाथीपाँव के पास, एक रिजॉर्ट है। रात को आए थे, लेट पहुंचे थे, एक डेढ़ बजे आके डिनर किया, थोड़ी देर बैठे थे हम लोग ऊपर आराम से बातचीत कर रहे थे, सुबह मतलब रात की 2:30 बजे सोए। तो ये वाला रिजॉर्ट है, इनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ऊपर वाला जो अभी जाऊंगा मैं थोड़ा सा टूर भी दे देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ के ओनर गुड टर्म्स में हमारे साथ, तो मैंने कहा कि एक बार तो दिखाना बनता है, काफी बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बट वीडियोज नहीं बनाता, तो मैंने कहा चलो एक बार दिखाते, क्योंकि नो डाउट भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है अगर आप मसूरी साइड आ रहे हो। एक्चुअल मसूरी में नहीं है, मसूरी तो थोड़ा पहले पड़ता है बट बहुत प्यारी है, एक बार दिखाता हूँ आपको। देखो ये सामने इतनी प्यारी सी बैल्कनी है, रूफ भी पूरा वुडन का दे रखा है, रूम कुछ ऐसा सा है, छोटा रूम है ये वाला, मतलब हमने छोटा ही लिया था, दो लोगों के लिए ऐसा रूम है, कोजी सा रूम है, ठंड है भाई यहाँ पे, वॉशरूम भी है नीट एंड क्लीन। यहाँ पर इन लोगों का रूम है, एक मिनट दिखाता हूँ, लॉबी मतलब एक एक फ्लोर पे ज्यादा रूम नहीं, दो दो रूम तीन तीन रूम ही निकाल रखे हैं इन लोगों ने। अब ये वाला रूम देखो, ये कितना बड़ा रूम है, अभी दोनों सो रहे हैं, ये अंदर फ्रेश हो रहा है, अभी निकल रहे हैं हम लोग पहाड़ी टेरेस, वहाँ पे कुछ खाएंगे, उसका थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सुबह बारिश हो रही थी, हमारा प्लान था कि हम जॉर्ज एवरेस्ट चले जाएंगे, बट जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता जो है ना वो बारिश में सही नहीं है गाड़ी के लिए खासकर, और ट्रैक भी है थोड़ा सा, और अभी नया बना है, उसके बाद से मैं गया भी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं भाई कैसा सीन है क्या है, तो आज तो लग नहीं रहा कि ऊपर जा पाएंगे, नीचे जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करेंगे। कॉलेज जाने का प्लान है मेरा, क्योंकि मैं कुछ फर्स्ट टाइम आया था, तो इसने नहीं देखा, मैं भी जब आता हूँ तो एक बार तो जाते ही, एक बार राउंड मारना, तो एक बार कॉलेज भी चलेंगे, एंट्री मिल जाती है तो। चलो भाई निकलते हैं, सामने यहीं पर ही गाड़ी पार्क कर दी थी ये ना, अभी भैया ने यहाँ पूरा पहाड़ कटवाया है थोड़ा सा, सो दैट यहाँ पे गाड़ी वगैरह साइड में खड़ी हो जाए, वरने रास्ता बड़ा संकरा सा था, गाड़ी रात को यहीं पे ही खड़ी कर दी थी, थोड़ी सी यहाँ पे भी स्पेस था, बड़ा डर लग रहा था पार्क करते हुए, बट कर दी गाड़ी, बहुत गंदी हो रही है। ब्लैक कलर में ना यही स्यापा है, हल्का फुल्का होते ही, खोल खोल बटन दबा दे, वो हल्का फुल्का सा भी एकदम बारिश होते ही, ये वाला अमित का है। नहीं वो कह रहा था कि थोड़ी देर घूमा उसके बाद चलूंगा, कि शायद नींद कंप्लीट नहीं हुई, वापस घर जाना था, मैंने कहा चल ले, दो बज गए, फिर भी वो कह रहा थोड़ा सो के वापस से फिर उसको ड्रॉप कर दूंगा, नीचे तक तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका घर जो मेन जहाँ हमारा कॉलेज है ना मसूरी डायवर्जन, उसके नीचे लगभग 12-13 किलोमीटर है, नहीं है मसूरी का रास्ता, थोड़ा वहां से लेफ्ट कट जाते हैं, जाता ये भी मसूरी है बट ये थोड़ा ऑफ रोड टाइप का है, अजीब सा रास्ता है, खाली सुनसान एकदम। फिलहाल आ रखे हैं भाई DIT यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पे भी घूम लेते हैं, बड़ा टाइम हो गया है, गाड़ी की जगह नहीं मिल रही थी, साइड में लगा दिया। ओहो अरे चाबी, ये है भाई देखो कैंपस, ऊपर बहुत ऊपर तक है, नीचे भी यहीं तक है, ये फर्स्ट ईयर का ब्लॉक था, इसमें फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती हैं सारी, ये सिविल का है नीचे, यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ पर एक बार बाघ आ गया था पता है, पीछे वहाँ से जंगलों से, पीछे जंगल है, हम रात को खेलते थे यहाँ से नीचे जाके, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे बढ़िया, अभी भी तो तीन बाघ आ रखे हैं दिल्ली से। सबसे बड़ा तो यही है ना जो कुछ कैंपस, यहाँ पे तो भीड़ होती है ना जब भयंकर वाली, तो खाली है पूरा। हमारे टाइम पे ना ये सब कुछ भी नहीं था भाई, ये भी नहीं था, वो बन रखा है सामने, पता नहीं हो तो क्या ही है, यहाँ पर ऐसे करके फूड ट्रक्स लगते थे लाइन से, खाने पीने कैसे यहाँ पे बढ़िया क्राउड होता था, और सितंबर में ऐसा मौसम होता था भाई साहब, बादल आ रहे हैं, ऊपर ऊपर का इधर वहीं से तो आए अभी, वो वाला गर्ल्स हॉस्टल है, ये सिविल ब्लॉक है, वहाँ सामने CSE ब्लॉक है, ये वाला मैकेनिकल ब्लॉक है, इसके आगे वाला इलेक्ट्रिकल ब्लॉक है, ये वाला फर्स्ट ईयर ब्लॉक है। चलो जी निकल रहे हैं वापसी बाहर, नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा ले लिया है, मतलब 10-15 मिनट ही रुके, अब चलते हैं नीचे कुछ खाते पीते हैं, यार भूख लग रही है, किस चीज का बज रहा है, एक तो बेल्ट ने इसने परेशान कर रखा है। फिलहाल भाई अमित जा चुका है अपने घर, हम लोग जा रहे हैं ऊपर अभी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वहाँ पर शायद छोटा सा गेट टुगेदर है, पता नहीं कोई फंक्शन या पार्टी वगैरह चल रही है, पिछले 1.5 घंटे से एडिटिंग कर रहा था मैं, ये लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं, पता नहीं किस टॉपिक में, अभी हंस रहा था फालतू की बातों पे, ठीक है मैंने कहा चल एडिटिंग हो चुकी है, ऊपर वहां पर नेटवर्क आएगा, अपलोड कर दूंगा, वहीं पर ही डिनर भी कर लेंगे वापस आके। ये है भाई रिजॉर्ट का नाम, हेवेंस व्यू रिजॉर्ट HVR, ऊपर यहां से चलना है, सामने पार्किंग है भाई, देख के भालू आते हैं यहां पे। आशीष भैया डीजे चला दो, मैं सिर्फ डीजे के लाया हूँ पैदल, वो भी मैक ने मुझे मैसेज भी किया था, आज यहाँ डीजे लग रहा है, हमें बताया गया मजे ही मजे हो रहे हैं ऊपर, मैं जब से वहां से कान लगा के सुन रहा हूँ नीचे से कि अब चलेगा तब जाऊँ, चलाएगा वो चला था जब गए थे जब से चल रहा था। अच्छा जी फिर ये तो वेस्ट हो गया ना, वो तो करते हैं डिनर, तो करते हैं, हाँ डिनर करते हैं, चलो करिए फिर से, कैसे कर रहा था, अरे करते कैसे कर रहा था, इसकी ब्रश करने की आवाज यहाँ तक आ रही कह रहा इसको देख कैसे ब्रश करता है, चल नाला साफ कर रहा है, आवाज आ रही कर 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 कर
अब इसका हो गया पूरा, इसका आज का कोटा पूरा, अब हमारी बारी है सक्षम को करने की। क्या हो गया क्या हो गया भाई? कल भाई ये तीनों लोग इसी बेड पे हो गए थे, दूसरा रूम भी था क्योंकि आज हमें चला गया, तो इसी रूम में हमने दो मैट्रेस मंगा लिया, एक ही मंगाया था, दो दे गए फिर भी वो। तो भाई अभी ये लोग मैट्रेस लगा रहे नीचे, क्योंकि उन लोगों से हम लोगों ने मना कर दिया था कि मैट्रेस मत लगाना। फिलहाल यहाँ पर बेडिंग वगैरह सब कुछ आ चुकी है, अपने आप ही लगाएंगे। मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, पहले मैं जाने वाला था नीचे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और ये प्रॉपर्टी अभी नई नई बनी है तो यहाँ पर अभी वाईफाई नहीं आया था, तो मैं कहा नीचे जाके करके आता हूँ, बट इन्होंने जैसे जैसे चला के यहीं पर अपलोड करवा दिया। खत्म करते हैं इस वीडियो को, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कॉन्टेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।